नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लखनऊ में बंद घरों और दुकानों का शटर काटकर चोरी करने वाले गिरोह का गुडम्बा पुलिस ने पर्दाफाश करने का दावा किया है। जी हां, आपको बता दें कि पुलिस ने तीन शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर सोने चांदी के आभूषण समेत अन्य सामान भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों की जेल में मुलाकात हुई थी और इन चोरों ने वहीं पर अपना गिरोह तैयार कर लिया था और फिर जेल से छूटते ही गिरोह बनाकर चोरी की वारदातों को शातिराना अंदाज से अंजाम देते थे। गुडम्बा पुलिस ने उत्तरी जोन की सर्विलांस टीम की मदद से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए मासूम अली उर्फ इमरान उर्फ चांद बाबू, सूरज कश्यप और हबीब उर्फ सैफ खान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 29/8/2024 को मुखबिर खास सूचना पर लगभग रात के 11 बजे के आसपास तीन व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पूछने पर उनका और उनका तलाशी करने पर ये समझ में आ गया कि ये तीनों बहुत शातिर चोर है जो लगातार गुडम्बा, सैरपुर, मड़ियाँव, बिजनौर और अन्य जगहों पर, लखनऊ के विविध जगहों पर बंद मकानों में ताला तोड़ के प्रवेश करके चोरी कर रहा था। तो इनसे और गहराई से पूछताछ करने पर ये पता चला उनका टारगेट ऐसे था कि जो न्यूली डेवलपिंग एरियाज था जहाँ पर ज़्यादातर लोग शहर के अंदर काम कर लेते हैं और सुबह के टाइम पे घर पे नहीं रहते हैं, उनका घर खास तौर से चिन्हित करके उसमें ताला तोड़ के लोहे का रॉड के साथ या प्लायर्स के साथ जो भी साधन मिलता था उससे ताला तोड़ के घर के अंदर जाके कीमती सामान, केवल जेवरात और कैश, कोई और ज़्यादा चीज़ नहीं चोरी करता था, ये केवल जेवरात और कैश और कुछ शौकीन चीज़ जो उनको शौकीन लगता है, जैसे एक मुकदमा में एक हेलमेट उठा के लेके गया है, तो जैसे कुछ शौकीन चीज़ भी इनके द्वारा चोरी करता था। तो प्रस्तुत तीनों अभियुक्त का पहचान ऐसा है, मासूम अली उर्फ इमरान, सूरज कश्यप पुत्र रामू कश्यप, हबीब उर्फ सैफ खान पुत्र मोहम्मद अली। तीनों हाल में लखनऊ की अलग अलग जगहों पर किराए के मकान पर रह रहा था। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा अभियोग पहले भी कर चुका है और कई बार जेल भी जा चुका है। इन तीनों का दोस्ती या गिरोह का शुरुआत भी जेल से ही हुआ है, जिसमें तीनों लोग जेल के निकलने के बाद एक साथ काम करने का तय किया गया था। आज इन तीनों को न्यायालय के सामने पेश कराकर पुलिस द्वारा आवश्यक विधि कार्रवाई किया जा रहा है। जो गिरफ्तार हुए हैं ये केवल वारदात को अंजाम देते थे, अन्य जगहों पर करते थे? अभी तक जो हम लोगों का पूछताछ में ये सामने आया है कि तीनों लोग लखनऊ में ही हाल पता में किराए पर मकान पर रह रहा था और लखनऊ की विभिन्न जगहों पर उनके द्वारा ये घटना कार्य कर रहा था। चोरी का माल कहाँ बेचते थे ये अभी स्पष्ट कराना शेष है। जैसे मैंने बताया कि और भी घटना इनके द्वारा कार्य करने का संभावना है, तो इस केस में हम पुलिस कस्टडी रिमांड में लेके और गहराई से पूछताछ किया जाएगा। पास्को का आरोपी है, दूसरा लूट का है, तीसरा चोरी का है। जेल में मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद आखिर गिरोह बनाया, गिरोह में तीन लोग हैं या अन्य लोगों को भी शामिल किया है? इसमें जितना जैसे सात मुकदमा का खुलासा आज हुआ है, इसमें लगभग सब जगहों पे इनका सीसीटीवी फुटेज आने जाने और कार्य घटना कार्य करने का है, जिसमें से ये स्पष्ट है कि ये तीनों लोग इस गिरोह में संबंध है। और इसमें जो पूछताछ हम लोग के द्वारा किया गया तो इसमें इनके द्वारा ये बताया गया कि जब जेल में एक बार चला गया तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था पैसा बनाने के लिए। इन्होंने सोचा सबसे आराम से काम, सबसे ईजी वे टू मेक मनी क्राइम है और इसीलिए वो बंद घरों में चोरी करने का प्लान किया है। सर, मासूम अली की बात की जाए उसके ऊपर दो दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, और क्या वही इसका मास्टरमाइंड है, उन्हीं ने दोनों को तैयार किया साथ में? जैसे आप देख सकते हैं कि मासूम अली के खिलाफ पहले से ही बहुत ज़्यादा चोरी और नकबजनी का मुकदमा है। ये एक तरफ से अगर देखा जाएंगे तो ये घर में चोरी करने के एक्सपर्ट है, तो इनके इशारे पर और इनके नेतृत्व में ये गिरोह काम कर रहा था। चोरी करके यही रहते थे या कहीं बाहर चले जाते थे? नहीं, ये लखनऊ में ही किराए के मकान पर रहते थे। सर, इसमें एक सवाल ये है कि पुलिस को चकमा देने के लिए चोरी की मोटरसाइकिल का पूरा इस्तेमाल कर रहे थे, रेकी से लेकर के घटना तक, तो वो मोटरसाइकिल आखिर किसकी रही, क्या इसमें कुछ खुलासा हो पाया? बिल्कुल, हम उसका ओनर को ट्रेस करा के दाखिल करके उसको उनके तक वो पहुँचा रहे। और भी इन्होंने हेलमेट जो एक घटना से उन्होंने जो चोरी किया
वो हेलमेट के भी प्रयोग कर रहा था। सुराग सर सीसीटीवी से मिला या जो सामान चोरी की थी उसके जरिए से सुराग मिला इन लोगों को? दोनों है, सीसीटीवी में भी ये लोग कई जगह पे कैद हुआ है और जो चोरी का सामान इनके जो मोटरसाइकिल और इनका जो द्वारा प्रयुक्त हेलमेट है उससे भी इनका पहचान हुआ। जो ये चोरी के जेवरात चोरी करते थे वो कहां बेचते थे ऐसा कुछ? लखनऊ से सीनियर संवाददाता रितेश श्रीवास्तव के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।